हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम। वेलकम टू राम आसवानी रिव्यू। तो दोस्तों, आज की वीडियो अंदर मैं मूवी रिव्यू करूंगा वाटर मॉन्स्टर की, जो 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर चाइनीज फैंटेसी मूवी है, जो ऑफिशियली अब हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है। तो करूंगा बात क्या इस फिल्म में ऐसा खास कि हमें इस फिल्म को देखना चाहिए भी नहीं, और फिल्म देखे दोस्तों मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। देखो, ये मूवी ऑफिशियली हिंदी में अवेलेबल है IUF YouTube चैनल के ऊपर, यानी हम इस फिल्म को आराम से हिंदी में YouTube पर भी देख सकते हैं, और ये मूवी डाउनलोड के लिए भी काफ़ी वेबसाइट पर अवेलेबल हो चुकी है। फिल्म की बेसिक कहानी है एक ऐसे मॉन्स्टर की जो पानी के अंदर है। अब मकर कैसे लोगों को मार रहा है पानी के अंदर ही, उसके वजह से इस फिल्म को बनाया गया है। गांव के कुछ समुदाय के लोग हैं जो इस पीड़ा से बाहर निकलना चाहते हैं कि कैसे करके इस जो पानी वाला दानव है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। अब ये उनसे छुटकारा पा पाएंगे ये नहीं, उसके लिए हमें इस फिल्म को देखना पड़ेगा। देखो, फिल्म को अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे ये फिल्म ठीक ठाक एवरेज मूवी लगी। यानी इस फिल्म को इतना भी ज़बरदस्त नहीं बोल सकते कि यार ठीक है फिल्म में इंटरेस्ट बना रहे, जैसे हम बाकी चाइनीज़ मूवी देखते हैं ना, उसमें जादुई नगरी, फैंटेसी सीन, VFX सीन बहुत ही जोरदार लगते हैं। इसके अंदर यार ऐसा नहीं लग रहा है। ये मॉन्स्टर फिल्म भी ना एलियन टाइप की लग रही है। जी हाँ, और कई एलियन फिल्में ना वैसे भी जोरदार होती हैं। ये बस एक एवरेज टाइप फिल्म है, यानी इतना भी मज़ा नहीं आता है कि फिल्म को देखे, लेकिन इस फिल्म को मैं बोर भी नहीं कह सकता हूँ। देखो, अगर आप वो ऑडियंस हो जिनको इस टाइप की फिल्में सबसे ज़्यादा पसंद है, आप इंटरेस्टेड हो यार एक ज़बरदस्त चाइनीज फिल्म देख ली, एक गजब का मतलब दानव है कैसे लोगों को मार रहा है, लास्ट में लोग उससे कैसे छुटकारा पाएंगे, तो ये फिल्म आप लोगों के लिए है। लेकिन आप वो ऑडियंस हो जिनको एक गजब की फिल्म देखनी है टाइम पास के लिए, अच्छी स्टोरी हो, तो यार वो इतनी भी गजब की नहीं है। तो कुल मिलाकर आप कमेंट में बता सकते हो कि आपने इस फिल्म को देखा है, और अगर आपने इस फिल्म को देख लिया आपको फिल्म कैसी लगी, जो भी आपकी राय हो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और मूवी का अपडेट रिव्यू लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।